अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजर रहा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अच्छा गुजर है। आप सुनाए, आपका कैसा गुजर है? ठीक है बेटा। हमारा तो पढ़ाई नहीं गुजर। बेटे कुछ नहीं करते आप लोग, कुछ भी नहीं अगर करते। क्लास क्या टाइमिंग कम हो जाए तो अच्छा गुजर जाएगा। चीज़? यस मैम। मैम क्लास टाइमिंग कम हो जाए तो अच्छा गुजर जाएगा। बेटा आप लोग कुछ पढ़ते ही नहीं हो। क्लास के टाइमिंग का क्या है? मैंने जब मैम ये हम जितना कर ली, अच्छा पढ़ते हैं आप जब कहते मैंने थे। जी, मैं कहती थी लेकिन मेरी वो गलत फहमी थी और वो इस कोर्स में रिजॉल्व हो गई है कि हो गया है, सारा क्लियर हो गया है। मैंने आपका ये मैम आप कोर्स गलत इसलिए लिया था कि आप बोले। पढ़ने वाले बच्चे हो। मैम ये कोर्स ही ऐसा है। बड़ा कोर्स ऐसा कोई नहीं है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा एक काम करें, आप लोगों ने समरीज मुझे सबमिट करवा दी थी टर्न 18 पे। यस मैम। यस मैम। अब आपने उसी बुक के थर्ड और फोर्थ चैप्टर की समरी मुझे सबमिट करवानी है। मैम ऐसे ना करें। मैम एक चैप्टर दे दूं। मैम एक बहुत है। हर एक चैप्टर वक्त दे। आपको मैम मजा एक ही आता है। चैप्टर दे। मैम एक बहुत है। मैम एक बहुत ज्यादा चैप्टर है। मैम एक बहुत मुश्किल से होता है, आप दो दे देती हैं। बिल्कुल बेटा पढ़ना तो है, फिर जैसे आपने सबमिट तो मैम करवाने एक ही से है। पढ़ लें। बेटा आपने मैम फिर भी तो एक पेपर के लिए भी तो पढ़ना है, तैयार तो करना है। पढ़ मैम लोगे तो तैयारी हो जाएगी। आप अभी एक चैप्टर दे दें, उसके बाद दोबारा अच्छा हम एक दे। वैसे पढ़ यस लेंगे मैम। मैम, एक समरी नहीं एक करेंगे, वैसे पढ़ पढ़ जो लेंगे। नहीं, बेटा समरी करनी है जो। अच्छा ठीक है, एक और काम करते हैं, जो 8 रोल नंबर है वो थर्ड चैप्टर कर लें, जो इवन रोल नंबर है वो फोर्थ कर लें, और फिर मैं आपकी क्लास में वो करवा लूंगी, प्रेजेंटेशन एक टाइप ऑफ एक्टिविटी करवा लूंगी जिसमें आपको दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, जिनके 8 रोल नंबर हैं वो थर्ड करेंगे और जिनके इवन रोल नंबर है वो फोर्थ करेंगे। हम करेंगे तो सिर्फ एक ही नौकरी। ठीक जी लेकिन आप है बेटा मैम। आपका कोर्स का तो वो पार्ट है, आपका ये कह रही हूँ जो 8 रोल नंबर है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका है नाइन। फोर मोहसिन हंजीला, ये आप फोर्थ चैप्टर की समरी सबमिट करवाओगे। फिफ्थ जईम जो है वो थर्ड की करवाएगा। सिक्स्थ शोएब जो है वो फोर्थ की करवाएगा। सेवन्थ जो है वो थर्ड की करवाएगा। जो 8 रजिस्ट्रेशन नंबर जितने भी आपके हैं वो थर्ड चैप्टर की समरी सबमिट करवाएंगे। और ये यहाँ पे मैं आपको शेयर दिखा देती हूँ, ये मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ है क्लास असाइनमेंट 2 का, इसमें सेम उसी तरह आपने करना है, लेकिन चैप्टर थर्ड और फोर्थ की आपने समरी सबमिट करवानी है। अब आपने क्या करना है, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, जो इवन रोल नंबर वाले हैं वो फोर्थ चैप्टर की समरी सबमिट करवाएंगे और जो 8 रोल नंबर है वो थर्ड की समरी सबमिट करवाएंगे। ओके मैम। और ओके बाद मैम। में आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है ताकि बाद में मैं उसमें से कुछ भी पूछ सकती हूँ। मैम वो तो इतने एब्स्ट्रैक्ट से थे जो पहले वाले भी थे, उसमें से आप क्या पूछेंगे। बेटा आगे पढ़ना ना, आगे कर लेना, फिर मैं उससे कुछ भी पूछ लूंगी। अब मैं पेपर में वो करती हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, वो मेरे एंड पे है कि मैं क्या पूछूंगी। आपने प्रिपेयर अच्छे से करना मैम क्या आप प्रिपेयर करना है? बेटा। जो आपकी असाइनमेंट है, जो इवन रोल नंबर वाले हैं उन्होंने सेम बुक, जिसके बुक का पहला और दूसरा चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स थे उनकी समरी आपने सबमिट करवाई थी। आप जो इवन रोल नंबर वाले हैं उन्होंने फोर्थ चैप्टर की समरी सबमिट करवानी है और जो 8 वाले हैं उन्होंने थर्ड की करवानी है। और फिर जब मैं क्या करूंगी, किसी भी एक स्टूडेंट से बोल के नेक्स्ट जो होगा हमारा उसमें मैं उनसे पूछ लूंगी, प्रेजेंट समरी का पूछ लूंगी कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन एक्टिविटी कोई हो जाएगी, तो उसमें बाकियों को क्लियर हो जाएगा दूसरा चैप्टर। एक इवन वाले से भी पूछूंगी, एक ऑड वाले से भी पूछूंगी।
किसी से भी पूछ सकती हूँ, तो आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर ओके करना है, ठीक मैम, है। और इसके अलावा ये हमारी दो असाइनमेंट हो जाएंगी हमारी सबसे कंप्लीट। इसके अलावा हमने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा क्विज होगा। अभी तक आपका एक क्विज हुआ है ना? यस मैम, यस मैम, एक क्विज हुआ। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा क्विज होगा, और जो आज तक हम पढ़ेंगे उस पे आपको कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी डिस्कशन आपने करनी होगी, तो वो डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मिड से पहले तक हमारा यही कोर्स होगा, ये 4 चैप्टर्स होंगे, और इसके अलावा क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी चीजें हैं, जो असाइनमेंट्स की हैं, लेटेक्स में जो चीजें की हैं, पहले दोनों जो दो वो स्लाइड्स अपलोड हैं लेटेक्स की, वो चीजें आपका कोर्स का मैम हिस्सा है। पढ़ा तो नहीं किया, जो स्लाइड में था वो जी, कुछ चीजें नहीं थी कहीं, जो किसमें टेक्स की स्लाइड्स थी अपलोड। से स्लाइड में क्या रहता है वो आप बेटा करके देख रहे हैं ना, जो चीज नहीं समझ आती वो मैं करवा दूंगी। टेबल आपको मैंने बनाने के लिए दिए थे, टेबल आपने क्लास में बना लिया था, फिर उसके बाद मैंने टेबल मर्ज करने के लिए आपको दिया था। उसको भी आप देख लेना एक दफा, जो नेक्स्ट आपकी जो क्लास है, नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है उसमें आपको पूरा लेक्चर दिया जाएगा कि मिड से पहले जितना भी मटेरियल है उसमें से अगर आपको कुछ पूछना है, कोई चीज नहीं समझ आई तो वो डिस्कस कर लें, और आपका क्विज होगा। बस मिड तक हमारा इतना ही होगा, होप सो। मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। बेटा एकेडमिक कैलेंडर में तो मंडे से ही स्टार्ट हो रहे हैं, टेंटेटिव यही है, ऑफिशियल अभी ईमेल नहीं आई, ऑफिशियल ईमेल आएगी तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैम क्विज जितना पढ़ लिया उसमें से होगा? जी, जितना पढ़ा हुआ है सारा, इसलिए है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज हमें नहीं समझ तो वो आप मेरे से पूछ लें, डिस्कस कर लें, ताकि मिड से पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको मिड के अंदर वो ना करना पड़े, क्विज मैम हेडेक ना किस लेना चीज पड़े। का? बट जितना आपने पढ़ा है सबका, रिसर्च पेपर राइटिंग का। सारा जी आपने सारी चीजें अच्छे से तैयार करनी है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको अक्सर कहा था, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की गाइडलाइंस होती हैं, आपको याद है? किचन हैम की गाइडलाइंस मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए भी कही थी, शायद आपने की है या नहीं मुझे नहीं आइडिया। ये आज मैंने वो गाइडलाइंस डाउनलोड की हैं, जब मैंने अपना काम किया था मैंने तब भी ये गाइडलाइंस को फॉलो किया था, गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। के आथर का नाम ये है, किचन है। अच्छा, इस गाइडलाइन में सारी आपको देखने की ऐसा जरूरत नहीं है, पहले ये वर्जन नंबर लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवा देती हूँ आपको इस डॉक्यूमेंट से, आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप रिसर्च पेपर, जब आपने अपना काम लिखना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। यहाँ पे देखें, ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि मेटा एनालिसिस हम किसको कहते हैं, प्राइमरी स्टडी किसको कहते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी स्टडी एक वर्ड आपका बार बार यूज होगा, इसको आप देख लें कि ये क्या होती है प्राइमरी स्टडी, और आपका सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये है आपके लिए, और ये वाली इम्पोर्टेंट चीज है, सिस्टमैटिक रिव्यू प्रोटोकॉल क्या होता है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर प्रोटोकॉल हम बनाते हैं, वो कैसे डेवलप किया जाता है, वो भी इसमें डिटेल में बताया हुआ है। जो लिटरेचर रिव्यूज होते हैं उनका लिटरेचर रिव्यू करना जो है टर्शरी स्टडी कहलाता है। इसमें आपने ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, ये डॉक्यूमेंटेशन, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन की बात है, जैसे आप ओवरव्यू कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन को कैसे यूज करना है, इस तरह से बताया हुआ।
सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पर डेफिनेशन बताई होगी, रीजंस क्यों किया जा कर रहे हैं आप, इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, बेनिफिट ड्रॉबैक्स, इसके अलावा और कौन कौन से रिव्यू की टाइप एग्जिस्ट करती हैं, ये रिव्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर प्रोसेस क्या होता है रिव्यू का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रिव्यू प्रोसेस में आपके क्या आती है, प्लानिंग स्टेज आती है, कंडक्टिंग स्टेज आती है, रिपोर्टिंग स्टेज आती है। प्लानिंग स्टेज के अंदर आप क्या क्या करते हैं और कंडक्टिंग में क्या करते हैं और रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, आप ये वाली सारी चीजों की, ये जो स्टेप्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शन भी आगे आपको दी हुई है कि आपने क्या करना है इसमें, ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज जो है इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है कि इसके हर स्टेप के अंदर क्या होता है। ये देखें आगे प्लानिंग में डिटेल बताई हुई है कि नीड आप क्यों कर रहे हो, उसको एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने वो किया हुआ है, सेम उसी तरह रिसर्च क्वेश्चन आपने डेवलप करने हैं, इन्होंने अपने क्वेश्चन डेवलप किए हुए होंगे, आपने उनसे अंडरस्टैंड करके अपने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि SLR लिटरेचर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एग्जिस्ट करते हैं और उनका मेथड क्या होता है, ये भी आपको अंडरस्टैंड करने का आपके कोर्स का पार्ट है अंडरस्टैंड करना। वैसे आपकी रिसर्च भी हो सकती है, क्वेश्चंस आपने बनाए एग्जांपल के तौर पे और क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, फिर क्वेश्चन के अंदर से आप क्या निकालते हो, वो आपकी क्या थी सर्च टर्म्स जो निकालनी थी, कीवर्ड्स निकालने थे, कीवर्ड्स निकाल के फिर आप उनके सिनोनिम बनाते हो, सिनोनिम लेके फिर आप उनके अंदर एंड और आर ऑपरेटर लगाते हो, एंड और आर ऑपरेटर लगाने के बाद आप उनको वो कर लेते हो, सर्च स्ट्रिंग आपकी बन जाती है, फिर आप सिलेक्ट करते हो कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरीज चूज करनी है, उन लाइब्रेरीज बिब्लियोग्राफी मैनेज करने के लिए उन लाइब्रेरीज को आप बताते हो कि मैंने यहाँ से ये सर्च स्ट्रिंग यूज करके इन इन बिब्लियोग्राफी इन इन लाइब्रेरी से डाटा कलेक्ट किया है, और फिर आप सेलेक्ट कर लेते हो जब आपने पेपर, फॉर एग्जांपल आपके 1000 पेपर आ गए वो सर्च स्ट्रिंग से, फिर आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताना है, आप 1000 के सारे पेपर तो नहीं ऐड होंगे, उनके कुछ पेपर रेलिवेंट होंगे कुछ नहीं होंगे, अब वो जो पेपर इरेलीवेंट है वो किस बेस पे आपने एक्सक्लूड किए हैं, जो पेपर निकाले हैं जो एक्सक्लूड किए हैं वो किस बेस पे किए हैं वो आप यहाँ पे बताओगे, एक्सक्लूजन की डेट, ये बेटा बिब्लियोग्राफीज बताई हुई है, IEEE एक्सप्लोर, ACM, गूगल स्कॉलर, ये कहाँ से आपने पेपर सेलेक्ट किए हैं, आप अपने बता सकते हो कि मैंने इन 5 जगहों से पेपर लिए हैं। आप यहाँ पे जब आपने पेपर ले लिए हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप कुछ पेपर जैसे मैंने 2007 से लेके 2021 तक सब पेपर लिए हैं, और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये चीज़ आएगी, और फिर मैंने जो इंग्लिश रिटन पेपर थे वो मैं सिर्फ वो लिए हैं, और उसके अलावा आप बता सकते हैं कि मैंने क्या एक्सक्लूड इंक्लूड किस बेस पे किए हैं और एक्सक्लूड किस बेस पे पेपर किए हैं, वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताया जा सकता है। फिर आता है स्टडी क्वालिटी असेसमेंट, अब जब आपने इन जो पेपर एक्सक्लूड कर दिया, फॉर एग्जांपल 1000 पेपर निकले थे फर्स्ट स्टेज पे, आपने एक्सक्लूड करते गए हैं डिफरेंट रीजन से, कुछ फिजिक्स के पेपर आ गए थे, कुछ जैसे आपने एक सर्च स्ट्रिंग दी, अब उसमें फिजिक्स का पेपर भी उस तरह का रिलेटेड आपके फील्ड में नहीं था, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, आप एक्सक्लूड करते करते आपके पास 120 पेपर रह गए हैं जो आपने स्टडी करने हैं। वो 120 पेपर जो हैं उनकी क्वालिटी असेसमेंट करनी है, मतलब अब
वो जो स्टार्ट में आपने रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन किए थे ना, आपने 120 पेपर जो अभी सेट कर लिए हैं ना, इंक्लूड करवाए हैं आपने SLR में, आपने उन 120 पेपर्स में से उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। अब उनके आंसर ढूंढते आपने फिर उन 120 पेपर्स की क्वालिटी असेसमेंट करनी है कि ये क्वालिटी वाइज ये पेपर कितने अच्छे हैं, आपने उनकी क्वालिटी असेसमेंट इस तरह से करनी है। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें आप उन क्वेश्चन के आंसर करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर एक लिस्ट बनी होगी क्वेश्चन की, ये देखें ये क्वालिटी असेसमेंट की चेकलिस्ट बनी हुई है। आर द एम क्लियरली स्टेटेड, वो जो पेपर था जो 120 स्टडी आपने सेलेक्ट की है, क्या उसमें उस पेपर के अंदर एक पेपर उठाना है उसमें से फिर उसकी क्वालिटी असेसमेंट करके उसको नंबर असाइन कर देना है, क्या उसके एम क्लियरली बताए हुए थे स्टडी में क्वेश्चन इन माइंड, और डू दीज स्टडीज मेजर्स आलो द क्वेश्चन टू बी आंसर, क्वेश्चन का आंसर किया है, पॉपुलेशन उन्होंने बताई हुई है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेंशन किया हुआ है, सैंपल फॉर एग्जांपल इंटरव्यू किए हैं तो वो उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने डाटा कौन सा यूज किया वो बताया हुआ है, ये सारी चीजें आप ने ये चीजें चेकलिस्ट पता कर देख लेना है कि ये जो आपकी स्टडीज हैं, जो आपके रिसर्च पेपर हैं, जो आपने 120 पेपर सेलेक्ट किए हैं अपने SLR के लिए, आप उन पेपर में से कुछ क्वांटिटेटिव पेपर होंगे, कुछ क्वालिटेटिव पेपर होंगे, कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर होंगे, तो आप डिफरेंट तरह के पेपर्स के जो होती है उसकी क्वालिटी डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्रेंस आइडिया प्रेजेंटेशन का पेपर है, वो बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन अब उसमें क्या हाँ अब ये सारी चीजें तो उसमें नहीं पाई जाती होंगी, वो रिजल्ट तो नहीं शो कर रहा होगा, वो उसने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया होगा, लेकिन उसने आइडिया प्रेजेंट किया है तो उसकी क्वालिटी हमें उसी के लिहाज से मेजर करनी चाहिए, रादर देन कि हम जनरल क्राइटेरिया बना ले। क्वालिटेटिव स्टडी के लिए क्वेश्चंस है, स्टडीज की क्वालिटी क्वालिटी क्राइटेरिया भी हमें बताना होता है लास्ट पे, ये आपने। अच्छा आप मुझे बताएं इसके अंदर आपने कोई चीज पूछनी है मेरे से SLR करने के बारे में, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा आपसे। बेटा SLR में सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो मैंने आपसे कहा था, अक्सर मैं कहती हूँ गाइडलाइंस पढ़ लें कि एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, ये किचन हेम की गाइडलाइंस है अवेलेबल, आपने ये पढ़नी है, मैं अपलोड भी कर दूंगी, ये देख लीजिएगा, इसमें इसका प्रोसेस समझने की जरूरत है मेनली, और बाकी इधर उधर जो चीजें हैं उनको डिस्कार्ड कर देना, उनको इग्नोर कर दें थोड़ा गुजारने के लिए, सिर्फ अपने प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है। और इसके अंदर अगर कोई चीज मुझे चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं और ज्यादा, तो वो मुझे बता दें, या फिर आप पढ़ के आइएगा फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम, ये इंक्लूड एक्सक्लूड किस बेस पे करते हैं? बेटा वो आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया ऐड करना होता है अपने पेपर में। मैं इस किसी पेपर से आपको निकाल के एग्जांपल दिखा देती हूँ। इंक्लूड जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपसे कहा आइट्रेशन रीवर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं रीवर्क सॉफ्टवेयर बनाते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रीवर्क जो आता है उसको मैं वो कर रही हूँ। तो कुछ पेपर ऐसे निकल आए हैं जब आपने रिसर्च किया ना, तो आपने SLR का मतलब क्या होता है, ये क्लेम किया जाता है कि मैंने जो ईयर बताया है ना, जैसे मैं 2010 से 2021 तक कह रही हूँ मैंने SLR किया है, तो इसका मतलब है मैंने इससे लेके 10 से लेके 21 तक सारे पेपर इंक्लूड किए हैं, जो कि मुझे सर्च करने से, ये वाली सर्च स्ट्रिंग ऐड करने से जो आए थे वो सारे पेपर को इंक्लूड किए हैं। मैं आपसे इधर शेयर करती हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल गूगल स्कॉलर हम ओपन करते हैं, आपने कहा एक सर्च स्ट्रिंग बनाई हुई थी रिवर्क और सॉफ्टवेयर
आर, ओहो, आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सो एसटीएल, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक सर्च स्ट्रिंग बनी है और मैं इस सर्च स्ट्रिंग को, ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई है। ये सर्च स्ट्रिंग कहाँ से आनी है, ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया है ना। ये सर्च स्ट्रिंग कहाँ से आनी है, आपने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाए होंगे, जो आपने प्रपोजल फर्स्ट सबमिट मुझे करवाना है, उसमें रिसर्च क्वेश्चन आप बना चुके होंगे। मैं सपोज करूंगी आपने जब रिसर्च क्वेश्चन ड्राइव कर लिए हैं तो उनसे आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, और कीवर्ड्स के दरमियान आपने आर लगा के और उनके सिनोनिम्स भी ढूंढ लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और कीवर्ड्स के दरमियान एंड लगा लें और सिनोनिम्स के आर लगा के, जी आपको डिटेल बताया होगा इसी जो स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है, या प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसे, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। प्रोटोकॉल डिफाइन करने का प्रॉपर तरीका इस डॉक्यूमेंट में बताया होगा, तो वो इस तरह से किया जाता है, मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। अब आपने ये करके लिया स्ट्रिंग, वहां से कीवर्ड्स और उनके सिनोनिम्स डिफाइन करके आपने इस तरह की एक स्ट्रिंग बना ली। स्ट्रिंग बनाने के बाद सेकंड स्टेप में आपने डिफाइन कर लिया कि मैंने गूगल कौन कौन सी लाइब्रेरी से सर्च करना है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी से मैंने गूगल स्कॉलर से और आई ट्रिपल ई से, ACM से, स्प्रिंगर से, यहाँ से मैं सर्च कर रही हूँ। तो मैं इन मैंने डिफाइन करके ये भी पहले से मेंशन कर देना है कि ये पांच लाइब्रेरीज हैं जहाँ से मैंने सर्च करना है और ये मेरी स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग मैंने कहीं पे नोट डाउन कर लेनी है और लाइब्रेरीज भी आपने नोट डाउन करनी है, साथ साथ लिखते जाना है। ये मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब मुझे कितने रिजल्ट आए हैं ये देखें, ये कितने रिजल्ट हैं। अब मैं ये यहाँ से कस्टम रेंज, यहाँ से आपने डिफाइन किया होगा कि मेरा किस साल से किस साल तक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 2015 से लेके 2021 तक जितने भी हैं वो, अभी रिजल्ट्स देख लें ये कितने हैं। अभी मैं सर्च करती हूँ, आप रिजल्ट कितने हो गए हैं। हाँ, 18,700 हो गए हैं। फिर आपने ये सर्च स्ट्रिंग जो होती है वो डिफाइन करनी होती है प्रॉपरली, आपने डिफाइन करनी है। उसके बाद आपके रिजल्ट्स कितने आए हैं, फॉर एग्जांपल ये 18,700 आए हैं। मैं इधर कुछ और कर लेती हूँ, 2018 से लेके मैंने 2021 तक कर लिए, 17,000 में रिजल्ट आ गया इसमें। आपके ये कौन कौन से रिजल्ट, फॉर एग्जांपल जितने भी रिजल्ट, ये रिजल्ट्स आ गए हैं 17,200 रिजल्ट्स हैं। तो इस, अब SLR जो होता है वो क्लेम करता है कि इन सारे पेपर से मैंने गो थ्रू किया है। अब पता इस बात का मतलब क्या है कि मैं सेकंड पेज पे भी जाऊंगी, जितने पेपर आएंगे उसको भी देखूंगी, थर्ड पेज पे आऊंगी, क्योंकि रिवर्क एक बहुत कॉमन सी चीज है। मैं फिफ्थ वन जितने भी पेजेस पे जाऊंगी तो मैं पेपर वो सारे सर्च करूंगी। अब हो सकता है कि मैं पेपर जब देख रही हूँ, ये जितने भी रिजल्ट आए थे आप मेंशन करते हो कि मैंने इस, ओ अच्छा, एक और चीज नोट करने की होती है कि हम किस डेट में ये सर्च किया है, ये भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि ये हमने पेपर में मेंशन करनी होती है, ताकि बाद में अगर कोई क्लेम कर सके कि आपने आपने क्योंकि क्लेम किया कि हमने सारे पेपर देखे हैं, तो हमने इस डेट पे ये सर्च क्यूरी की थी। तो अब इनमें से कुछ पेपर ऐसे निकलेंगे जो आपके रिसर्च क्वेश्चन से मैच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पेपर ओपन करती हूँ। अब ये पेपर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पीडिमेंट इन सॉफ्टवेयर फ्लो, अब मुझे लग रहा है कि आर सॉफ्टवेयर इम्पीडिमेंट आर एनीथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्क थ्रू ए सिस्टम आर इंटरफेयर विद द सिस्टम अचीविंग इट्स गोल, हाउवर इट इज अनक्लियर हाउ
impediments in software practices are identified, measured and managed across multiple practices. अच्छा मुझे ये लग रहा था इसके अंदर rework word आ रहा था इसलिए हमारे search में आ गया, लेकिन ये for example title पढ़ने के बाद मुझे हो सकता है ये title किसी और field में होता, अभी तो software के उसमें है ना, software हम फिर देख लिया उसे, अगर ये title किसी और field में physics में या किसी उन्होंने mechanical engineering में electrical engineering किसी और engineering में किया होता तो हम उसे exclude कर देते इस paper को, हम कहते ये वाला paper हमने नहीं add करना और हमने एक्सक्लूजन की रीजन भी देनी है कि इस बेस पे एक्सक्लूड किया है, फिर अगर हमारा फिर भी आया फिर हम अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हमें नहीं फिर फॉर एग्जांपल 1000 पेपर आपके आए थे और 1000 पेपर में से आपने 100 पेपर आपके निकल गए हैं जो के सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 200 पेपर आपके जो सब्जेक्ट के नहीं थे वो निकल गए हैं, 800 आ गए, 800 में से टाइट टाइटल पढ़ने के बाद एक्सक्लूड हो गए, फिर 800 में से 500 पेपर आपके जब आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है ना तो आपको लगा है कि आपके रेलिवेंट नहीं है, मतलब ये आपके रिसर्च क्वेश्चन वो निकल गए, फिर आपके पास 300 पेपर बचे, 300 पेपर में से भी आपके 180 पेपर जो हैं वो जब आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ा तो वो आपको आपने रिलेटेड नहीं लगे, आपने रीजन साथ साथ बताते जाना है कि इस रीजन की वजह से हमने एक्सक्लूड कर दिया पेपर को. ठीक है तो आपने इस पेज पे मैम इंक्लूजन ये रिसर्च पेपर में लिखते हैं कि हमने ये जी जी बेटा मेथड लिखा जाता है ना, ये रिसर्च मैं पेपर आपको जब जी जी ये आप अपने पास डाटा नोट इसमें करते जाते हो, नोट करते जाते हो, फिर जब आप राइट डाउन करते हो तो आपने प्रोसेस में ये भी बताना होता है, वैसे जो आपका वो जो रिसर्च आर्टिकल सबमिट होता है उसके अंदर ये चीज लिखी जाती है, ये आपका प्रोसेस है सबमिट करवाने के, हम इस तरह से लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ये जो आपको गाइडलाइन किचन है कि मैं दूंगी इसमें ये सारा डिटेल में लिखा गया है, तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये है कि हमने इंग्लिश रिटन पेपर लिए हैं, हमने ये पेपर लिए हैं, मैं यहाँ से आपको कोई SLR खोल के दिखा देती हूँ, ये देखें टेरिटरी क्लास में स्टार्ट में मैंने इस वर्ड का मतलब बताया था, इसका क्या मीनिंग होता है, जल्दी से बताएं मुझे टेरिटरी का क्या मतलब होता है, मैम लिटरेचर रिव्यू का रिव्यू करना. ठीक है अब इन्होंने टेरिटरी स्टडी की हुई है कि जितनी भी, इसलिए उन्होंने ये मेथड अपना नहीं लिखा हुआ, हम कोई पेपर निकाल लेते हैं.
इसके अंदर एक पार्ट था सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करके, उन्होंने स्टडीज की सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटिंग, ये देखें स्टेप्स लिखे हुए हैं, रिसर्च क्वेश्चन, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया है फर्स्ट स्टेप। उन्होंने मल्टीपल और चीजें भी की हैं पेपर में, लेकिन ये उनका एक स्टेप था। इसलिए हम जो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, मैं इधर तक सिर्फ बता रही हूँ, सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटिंग सर्च स्ट्रिंग पेपर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वालिटी असेसमेंट ऑफ सिलेक्टिव पेपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्कोप। अब यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग बनानी है, फिर उसके बाद आपने सर्च स्ट्रिंग को डिफाइन करना है कि किन पेपर्स किन आप उनमें ऐड करोगे, लाइब्रेरीज में सर्च करोगे, किस से किस ईयर तक करोगे। फिर आपने पेपर का सिलेक्शन इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताना है और क्वालिटी असेसमेंट, फिर जो पेपर आपने सेलेक्ट कर लिए इंक्लूड कर लिए उनकी क्वालिटी असेसमेंट बतानी है। फिर आपने जो रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट में डिफाइन किए हुए थे उनके आंसर ढूंढने हैं इसके अंदर से। जे आपके रिसर्च क्वेश्चन पहले से आपने डिफाइन किए होंगे, उन रिसर्च क्वेश्चन के आंसर इन सिलेक्टेड स्टडी में से ढूंढना है। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है? Yes, ये देखें सर्च स्ट्रिंग बनी हुई है, सर्च स्ट्रिंग इन्होंने गूगल स्कॉलर साइंस ट्रैक स्प्रिंगर आईट्रिपल एसीएम में ये वाली क्यूरीज ऐड की थी और इससे उनको कितने रिजल्ट मिले ये भी इस पेपर में मेंशन किया होगा, और उन पेपर्स के अंदर से उन्होंने डाटा क्या एक्सट्रैक्ट किया वो चीजें भी मेंशन होंगी। तो आप एसएलआर जो है, जब ये सारे बजाय इसके कि सारे पेपर्स में, एक तो आप ये भी देख सकते हैं फाइनल जब किसी ने पेपर लिखा होगा, एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एक अच्छा जर्नल का पेपर होगा, तो उसमें से व्यू कर सकते हैं कि लिखने का क्या तरीका होता है। वैसे आपको ये स्टडी जब पढ़ेंगे किचन हैम की गाइडलाइंस, तो आपको कंप्लीटली वैसे ही समझ आ जाएगी कि इसको कैसे करना है। जी मैं अपलोड कर दूंगी, ये आप स्टडी करना आपका पार्ट है कोर्स का।